नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो लास्ट सीन दिखाई देते हैं ना व्हाट्सएप में, तो उसे भी आप बंद कर सकते हैं और लास्ट सीन आपका कोई नहीं देख पाएगा। और जो ब्लू टिक लगता है ना, जैसे कि हम फोटो जैसे वीडियो है या चैट करते हैं, तो उसमें जब हम उसे देख लेते हैं तो आगे वाले को पता चल जाता है जब उसमें ब्लू टिक लगता है। तो दोस्तों, उस ब्लू टिक को भी आप अनेबल यानी कि आप बंद कर सकते हैं। आप जिसका जो भी भेजे रहे फोटो वीडियो या चैट में जो भी लिख कर भेजे रहे, तो उसे आप देख लेंगे, फिर भी उसको आगे वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसे देख लिया है, क्योंकि दोस्तों उसके में ब्लू टिक लगेगा ही नहीं, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप इसे कैसे कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसे जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाय दोस्तों, मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब दोस्तों, उसे जानते हैं उसे कैसे किया जाए। तो मैं दोस्तों आपको इसको बताने के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन में ले जाकर बताने वाला हूँ। स्क्रीन टू में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जो है लास्ट सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं मैसेज कर दूंगा और यहाँ पर दूसरी स्क्रीन से आपको दिखा दूंगा, पहले स्क्रीन वन से यहाँ पर उसे देखूंगा तो यहाँ पर ये ब्लू टिक लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन वन ओपन कर लिया, यहाँ पर देखिए ब्लू टिक लग गया, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पर ब्लू टिक लग गया और यहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इसे कैसे बंद करना है, इसके लिए दोस्तों मैं अपने स्क्रीन वन में जाकर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन वन में आ जाता हूँ। स्क्रीन वन में आने पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को खोलूँगा, जिसे आपको बताऊँगा कि सेटिंग कैसे करना है। उसके लिए दोस्तों, मैं अपना वो स्क्रीन वन ओपन कर लिया, यहाँ पर कोने पे तीन डॉट टच करेंगे, उसके बाद सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर से अकाउंट पे आना है, उसके बाद प्राइवेसी को टच करेंगे, उसके बाद दोस्तों लास्ट सीन करके दिखाई दे रहा है, इसे आपको टच कर लेना है। इसे टच करते ही दोस्तों, यहाँ पर नोबडी को टच करना है, इससे आपके जो लास्ट सीन दिखाई देते वो बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप ब्लू टिक बंद करना है, इसके लिए दोस्तों आपको रीड रिसिप्ट ऐसे करके लिखा है ना, इसे आपको बंद कर देना है। इसे बंद करते ही दोस्तों आपके जो ब्लू टिक लगता है वो नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपको लाइव प्रूफ फिर से दिखा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों, मैं आपने स्क्रीन टू ओपन कर लिया है, यहाँ पर से मैं मैसेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर से मैं स्क्रीन वन से यहाँ से देख लूँगा, तो यहाँ पर देखिए ब्लू टिक नहीं लगा और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शो हो रहा है। ये दोस्तों, अभी जब तक कि जो स्क्रीन वन को बंद नहीं करूँगा तो ये शो होगा। अब देखिए, बंद करते ही ये जो ऑनलाइन शो हो रहा था वो भी बंद हो गया है। तो आप समझ गए हैं ना दोस्तों, इसे सेटिंग करते ही, आपके जो सेटिंग में जाकर बदलाव करते ही ये ऐसा काम करेगा। आई होप दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा और आप इस ट्रिक के बारे में जान चुके होंगे इसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।